अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी किचन एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है देसी घी। देसी घी बनाने का तरीका जो है, किस तरह से देसी घी निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहले ज़माने में ट्रेडिशनल स्टाइल में जो है देसी घी निकाला जाता था मदानी से, तो आज बिल्कुल हम अपने मिनी किचन में जो है मिनी मदानी से जो है देसी घी निकालेंगे। तो आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, आप स्टार्ट करते हैं अपने मिनी किचन में जाकर देसी घी निकालें। हम अपने किचन में, तो आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर देसी घी। मदानी है यहाँ पर मैंने रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी दही की, और नीम गर्म पानी की ज़रिए से जो है हम देसी घी निकालेंगे इस मदानी में। तो चलिए जी, आप स्टार्ट करते हैं। है हमारी मदानी, इसके अंदर मैं ये सारी दही डालूँगी। तो खोल लेते हैं और ये सारी दही इसमें डाल देंगे। इस तरह से दही हमने मदानी के अंदर डाली है, और अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको खोल लेते हैं रस्सी को, और यहाँ से पकड़कर इस तरह से ज़ोर ज़ोर से रस्सी को जो है खींचना है, और जगना जो है जिसके अंदर इस तरह से। और अब इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। जैसे कि सर्दियां हैं तो इसमें हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। और फिर से बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे कि पहले ज़माने में देसी घी निकाला जाता था इसी तरह से। वो तो बड़ी वाली मदानी होती थी, बिकॉज हमारा किचन जो है वो मिनी किचन है, इसलिए मदानी भी जो है मिनी है। तो उसमें थोड़ा सा बनेगा जो है हमारा मक्खन। हमारा तैयार हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। चम्मच से जो है सारा मक्खन हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन निकला है। ये लस्सी है, इसका जो है आप लस्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज होती है लस्सी। हमने मक्खन जो है निकाल लिया है, अब इससे देसी घी निकालेंगे। कढ़ाई में रखकर जो है देसी घी बनाएंगे। देखिएगा कि किस तरह से बनता है। तो जी, चूल्हे में जो है मैंने आग लगा ली है, और अब कढ़ाई पर रखते हैं, और जो हमने मक्खन तैयार कर लिया था वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। सारा मक्खन जो है इसमें हम डालेंगे। अब इसको हल्की हल्की आंच पर जो है हमने पका लेना है। हिलाते रहना, हिलाते रहना है, आंच जो है वो हल्की हो। देखिए इसी तरह से हिलाते रहना है। ये देखिए बहुत ही
खूबसूरत से जो है तैयार होने लगा है। और लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा आटा, मतलब गंदम का आटा डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इससे यह है कि जो मक्खन की जो है स्मेल वो नहीं आएगी और इस घी जो है सही से तैयार हो जाएगा। अब इसे जो है मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही ये आटा जो है हमारा ब्राउन होने लगेगा ना, तो जो हमारा घी है वो तैयार हो जाएगा, इसलिए इसको मज़ीद जो है पका लेते हैं। घी को पकने में थोड़ी देर है क्योंकि अभी सही से जो है घी नहीं पका और आटा जो है मुझे लगता है ब्राउन नहीं हुआ, तो जब तक ये ब्राउन नहीं होता तब तक जो है घी नहीं पक सकता, इसलिए इसे मज़ीद जो है पकाते रहना है। देखिए झाग ख़त्म होएगी तो हमारा जो घी है वो तैयार हो चुका है। नाउ फाइनली जो हमारा घी है, देसी घी तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शक्ल आ चुकी है और ये घी जो है तैयार हो चुका है। इसे जो है अब हम सर्व करेंगे। ज़बरदस्त देसी घी की रेसिपी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये थी देसी घी की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो इसके फ़ायदे जो है मैं आपको बताती चलूँ कि खाने से पहले एक चम्मच देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे यह है कि आपका दिमाग जो है वो तेज़ रहेगा और जो है आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी वीडियोस के लिए दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।